नो लॉजिक ओनली मैजिक पर बेस्ड है फिल्म। गोलमाल सीरीज के एक और पार्ट को लेकर हाजिर हैं डायरेक्टर रोहित शेट्टी। फिल्म के लीड रोल्स में हैं अजय देवगन, अर्शद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, तब्बू और परिणीति चोपड़ा। इनके अलावा कुछ सरप्राइज करने वाले एक्टर्स भी फिल्म में नजर आएंगे, जिनमें प्रकाश राज और नील नितिन मुकेश भी हैं। और पुरानी गोलमाल सीरीज के लगभग सारे एक्टर्स तो फिल्म में हैं ही। आपको सरप्राइज करने के लिए फिल्म में एक बड़े एक्टर को यूं तो सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस के लिए लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी फिल्म में है। इसको सरप्राइज ही रहने देते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टोरी की। ग्रैंड एंट्री के बाद तब्बू के नरेशन से फिल्म शुरू होती है, जिसमें सारे किरदारों का बचपन दिखाया गया है जब वो अनाथ आश्रम में रहा करते थे। वहां से वो भाग के अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हैं। इसके बावजूद उनका अनाथ आश्रम से लगाव कम नहीं होता है और टाइम टू टाइम वो अनाथ आश्रम के लिए पैसे भेजा करते थे। बचपन में उनके अनाथ आश्रम में एक छोटी बच्ची भी रहती थी, जिसे वो सब बहुत चाहते थे। उनके बड़े होने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब उन पांचों को एक साथ एक ही घर में रहना पड़ता है, लेकिन उनके साथ वहां पर एक भूत भी है। ये भूत कौन है, इस घर में क्यों है और इन लोगों से उसका क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए आप फिल्म देखें। क्योंकि फिल्म की स्टोरी ऊटी बेस्ड है, तो फिल्म को खूबसूरत बनाने के लिए लोकेशंस का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इवन मार खाने वाले साइड विलेन भी साउथ के ही लिए गए हैं, जो कि इससे पहले भी काफी साउथ की फिल्मों में नजर आ चुके हैं। फिल्म की शुरुआत में एक ट्रेन जो कि हरी भरी वादियों के बीच से गुजरती नजर आती है, कहीं ना कहीं आपको एक पल के लिए चेन्नई एक्सप्रेस की याद दिला देगी। रोहित शेट्टी के ड्रोन वाले शॉट्स उनकी काफी फिल्मों में नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एकदम फ्रेश है, लेकिन इसके बावजूद पुराने वाले गोलमाल से कुछ सीन्स को नए तरीके से पेश किया गया है। एक्टिंग की बात करें तो पुरानी गोलमाल के सारे एक्टर्स 7 साल बाद वापस उन्हीं किरदारों में नजर आते हैं। 7 साल का वक्त काफी लंबा होता है, लेकिन इसके बावजूद सबने अपने अपने किरदार को अच्छे से निभाया है। अजय देवगन गोलमाल सीरीज के हर फिल्म में लीड रोल में होते हैं और बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। इस फिल्म में उन्हें अंधेरे और भूतों से डर लगता है, जिसका फायदा उनके कॉम्पिटिटर अर्शद वारसी, कुणाल खेमू और तुषार कपूर को होता है। इतने साल बाद वापस अपने पुराने कैरेक्टर में आना आसान बात नहीं है। इसके बावजूद सारे एक्टर्स अपने अपने रोल को जिंदा करने में कामयाब रहे हैं। फिल्म में बहुत सारे कॉमेडी पंचेस देखने को मिलते हैं, जो कि टाइम टू टाइम आपको हंसाने में कामयाब रहते हैं। फिल्म की नई एंट्री प्रकाश राज का काम अच्छा है और उन्हें भी इस बार कॉमेडी करने का मौका मिला है। कुछ एक सीन में कैमरा वर्क कमाल का है, स्पेशली एक सीन में जहां प्रकाश राज के पीछे भूत पड़ जाता है और वो भागते भागते आईने के सामने आ जाते हैं और अचानक से आईने पर लिखा आता है आई विल किल यू। गौर से देखिएगा उस सीन को, तभी आपको समझ आएगा। कॉमेडी पंचेस की बात करें तो लगभग सारे एक्टर्स को बराबर मौका मिला है कॉमेडी करने का, लेकिन अगेन मैं यहाँ स्पेशली बात करना चाहूंगा श्रेयस तलपड़े की, जो कि कॉमेडी के मामले में कई बार बाकी सारे एक्टर्स पर भारी पड़ते नजर आते हैं। उनका वे ऑफ टॉकिंग पिछले गोलमाल में काफी अच्छा था, लेकिन इस बार वो उससे भी बेहतर नजर आते हैं। उनका लोरी सुनाना फिल्म में काफी फन क्रिएट करता है। परिणीति चोपड़ा इस रोल के लिए अच्छी चॉइस थी। इन सारे एक्टर्स के बीच एक कम एज वाली लड़की ही चाहिए थी, जिसकी वजह से अजय देवगन पर भी काफी पंचस बन सके। तब वो फिल्म में ठीक ठाक लगी हैं। अक्सर हम उन्हें सीरियस रोल करते ही देखते आए हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से फिल्म में वो हमें थोड़ी अटपटी लगे। इनके अलावा जॉनी लिवर, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी और मुरली शर्मा उसी तरह की एक्टिंग करते दिखाई देते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। फिल्म में नील नितिन मुकेश की एंट्री इंटरवल के बाद होती है, जो कि नेगेटिव रोल में है। उनके आने के बाद फिल्म में ट्विस्ट और बढ़ जाता है। नए नए तरीकों से मसाला डालने की कोशिश की गई है, कुछ नई एंट्रीज के जरिए, कुछ पुराने गोलमाल के सीन को लेके, तो कभी किसी बड़े एक्टर का गेस्ट अपीयरेंस करा के। इन सब को मिला के वो एक अच्छी कॉमेडी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं। कॉमेडी फिल्मों में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कॉमिक टाइमिंग, जो कि इस फिल्म की कमाल की है। भले ही पुराने सीन्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उन्हें पेश नए अंदाज में ही किया गया है। और इनके अलावा बहुत से नए कॉमिक पंचेस फिल्म के लेवल को और बढ़ाती हैं। फिल्म में कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि फिल्म के शुरू में ही पता चल जाता है कि भूत कौन है। इसके बावजूद इस बात को सस्पेंस बना के रखने की कोशिश की गई है, जो कि सस्पेंस थी ही नहीं। क्लाइमेक्स में भूत जो कुछ भी करता है, अगर वो पहले ही कर लेता तो उसे गोपाल एंड टीम की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर वही बात, अगर कॉमेडी फिल्म्स में लॉजिक ढूंढने लगे तो फिर कॉमेडी फिल्म काहे की। एक और खास सीन की बात करूंगा, जिसमें एक्शन और इमोशन का अच्छा मिक्सअप दिखाया गया है, जो कि देखने में अच्छा लगता है और आइडिया भी काफी यूनिक लगा। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो फिल्म में 2 सॉन्ग्स को रीमेक करके यूज किया गया है, नींद चुराई मेरी और मैंने प्यार किया फिल्म का टाइटल सॉन्ग। दोनों गाने सुनने में अच्छे लगते हैं और बाकी गाने भी ठीक ठाक है। इतना सन्नाटा सॉन्ग को फिल्म के लास्ट में रखा गया है। फिल्म का म्यूजिक दिया है अमर मोहिले, अमाल मलिक, एस थमन और डीजे चेतस ने। रोहित शेट्टी की फिल्मों का साउंड डिजाइन काफी अच्छा होता है, जो कि इस फिल्म में भी नजर आता है।
एक्शन सीन्स में पंचेस के साउंड काफी इफेक्टिव लगते हैं। भरपूर एक्शन, कॉमेडी और म्यूजिक से भरपूर इस फिल्म को मैं दूंगा 4 स्टार्स। रिमेम्बर, अगर आप गोलमाल सीरीज के फैन हैं तो एक बार फिर से एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो जाइए। गो एंड वॉच। हैव अ नाइस डे।